इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में आपका दो तरह के नंबर होंगे। ठीक है, एक होता है रियल रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम में दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर्स हो जाएंगे और एक इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर के बारे में पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो ऐसा नंबर जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव साइन के साथ कोई नंबर हो, ठीक है, या इस तरह का टू आई आई इस फॉर्म में हो या 3+2i के फॉर्म में हो etc, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर हो तो हम उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको जानना है कि अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और इसको हम लोग आई यहाँ जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी शो करता है। ठीक है, आई इमेजिनरी शो करता है। ठीक है, तो ये हमें बस इतना ही यहाँ में जानना है, हमें क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में जानना है क्या है। तो जितना भी नंबर है आपका, ठीक है, जितना भी नंबर होगा आपने पढ़े हैं, इंटीजर रियल नंबर, इंटीजर फ्रैक्शन डेसिमल रेशनल इरेशनल, जितना भी नंबर होते सारे सब क्या होते हैं आपका रियल नंबर में होते हैं। जैसे एग्जांपल रूट टू रूट में हो, क्यूब रूट टू ये भी हो जाएगा, आपका डेसिमल में हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया, आपका 1√2 हो गया, etc। जितना सारे नंबर ये सब क्या आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम इसको रियल नंबर्स को भी दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, एक होता है रेशनल रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक रेशनल रेशनल नंबर्स होता है, एक इरेशनल नंबर्स होता है। ये आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है, जो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं लेना है और पी और क्यू एनी इंटीजर होगा, पी और क्यू इंटीजर होगा। ठीक है, ये आप रेशनल नंबर का के बारे में जानते हैं, रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। और भी हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आप पढ़े हैं कि जो जिसका एक्सपेंशन मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग चाहे रिपीटिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, जैसे सपोज दैट कि 0.521 इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 3 डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये रुक गया, टर्मिनेट कर गया, इसलिए क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कुछ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटेड रुकते नहीं है, वो बार बार वही नंबर रिपीट करते हैं। सपोज जैसे आप 10 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 3.3333 इस तरह का आपका आता रहता है, तो इसको हम लोग इस तरह का लिखते हैं 3.3 बार एक डिजिट हो रहा है। तो ये सभी आपका रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ई रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में आपको ऐसे नंबर जो रूट में हो, लेकिन रूट के अंदर जो सपोज डेट रूट एम है, तो एम हमारा क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर, है ना,
नंबर नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। चाहे क्यूब रूट में देखेंगे, क्यूब रूट में हो गया ऐसे, तो यहाँ भी आपका जो एम होगा, एम जो होगा नोट परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। तो सबसे पहले जाने कि नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। जैसे सपोज डैट आपका टू, टू किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, थ्री किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है ना, फाइव किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अगर आपका रूट टू है तो इसको बोलेंगे इरेशनल, रूट थ्री रहेगा इसको बोलेंगे इरेशनल, रूट फाइव रहेगा तो इरेशनल। तो ये सब आपका इरेशनल का एग्जांपल है। उसी तरह क्यूब रूट में तो जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो, जैसे सपोज डेट आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एट आपका हो जाएगा परफेक्ट क्यूब नंबर, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, इटीसी, ये सभी होगा। डैट मीन्स अगर आपका क्यूब रूट फाइव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग से क्लियर हो गए हुए कि नंबर सिस्टम में है ना, एक रियल नंबर्स होता है, एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। रियल नंबर सारे नंबर आते हैं, इमेजिनरी नंबर में जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। फिर उसके बाद रियल नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर का डिफिनेशन आप जानते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वो रेशनल होता है, जहाँ क्यू का वैल्यू हम लोग जीरो नहीं लेते हैं और पी क्यू हम लोग इंटीजर्स होता है। और हम दूसरा डिफिनेशन पढ़े हैं आप क्लास नाइन्थ में भी, कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो आपका रेशनल कहलाता है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी होता है वो भी आपका क्या कहलाता है, आपका इरेशनल कहलाता है। ठीक है, और ये आपका इरेशनल नंबर में आपका क्या, जो रूट के अंदर हो लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, चाहे क्यूब रूट परफेक्ट रूट क्यूब रूट के रूप में हो लेकिन नोट परफेक्ट क्यूब नंबर हो, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होता है। एक बार और थोड़ा समराइज कर देना चाहता हूँ कि क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे कि जब भी आप रेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, कुछ भी करेंगे अगर रेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपका एक रेशनल नंबर है और उसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या इंटू करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, चारों में से कोई भी अगर ऑपरेशन करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह आपका अगर इरेशनल नंबर के साथ प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किसको, इरेशनल नंबर को ही, तो इसमें आपका पॉसिबिलिटी है कि आइदर रेशनल रेशनल नंबर मिल सकता है और इरेशनल नंबर मिल सकता है। तो ये आपका बेसिक है रियल्स नंबर के बारे में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में है ना पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड लेमा क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम में डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो क्लास टेंथ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।